देखो आज जो अपने करना है ना, एक तो करना है सिमिलर, क्या करना है, और एक करना है कॉन्ग्रेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये मार्कर सभी के सभी क्या है, कॉन्ग्रेंट है सिमिलर, क्या है मार्कर, क्या है सभी कॉन्ग्रेंट है, क्या है भी एक जैसे हैं, वो बुके नए साइज में छोटे ना बड़े हैं, समझ में आ रही बात। मतलब मुझे ये बताओ, देखो मैंने कहा कि ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, क्या तीनों की साइज सेम है क्या, पर शेप सेम है क्या, साइज सेम नहीं है, क्या करे वहां पे, लेकिन शेप क्या है, एक जैसी है, शेप क्या है इनकी सेम है, गोल है ना। तो इट मीन्स सर्कल सारे जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट है सिमिलर। तो जब साइज सेम और शेप भी सेम तो उनको बोला जाता है कॉन्ग्रेंट, क्या बोलते हैं। लेकिन अगर साइज छोटी बड़ी है और शेप सेम है तो इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे फिर, सिमिलर क्या हो जाएंगे। तो ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं। देखो मुझे बताओ कि ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, बना दिया, ये मैंने दूसरा स्क्वायर बनाया, ये मैंने तीसरा स्क्वायर बनाया, तो ये बताओ कि तीनों ये कॉन्ग्रेंट है सिमिलर है, सिमिलर है, ठीक है ना। सिमिलर के अंदर दो चीजें चाहिए, क्या क्या, एक तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्या होना चाहिए, ठीक है, सॉरी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, समझ रहे। क्रॉसपोंडिंग का मतलब जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, और ये कोई दूसरा ट्रायंगल बनाया इसके अंदर मान लो ये एंगल भी 30 डिग्री है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए ना। ये मान लो आपका 80 डिग्री है, और ये वाला मान लो 80 डिग्री है, समझ रहे हो, और ये वाला मान लो आपका 70 डिग्री है, तो क्रॉसपोंडिंग वाले 70 इसके 70 इक्वल, 80 है इस 80 के इक्वल, 30 वो 30 के इक्वल, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है इसका, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसे, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 4 है, ये मान लो 8 है, ये 6 है, और ये 4 है, तो देखो 2 का दुगना कौन है, 3 का दुगना, और 4 का दुगना, यानी कि 2 को 4 से कैंसिल करें तो हाफ आता है, या नहीं आता, 3 को 6 से कैंसिल करें तो क्या आता है, और 4 को 8 से करें तो यानी यही होता है प्रोपोर्शन, मतलब कि इक्वल आ रहा है कटने के बावजूद, पहले नहीं कटने के बाद, समझ में आ रही बात। जबकि सिमिलर जो होता है ना, सॉरी कॉन्ग्रेंट जो होता है, इसके लिए क्रॉसपोंडिंग एंगल्स तो इक्वल होनी होनी चाहिए, क्या कर रहा हूं, लेकिन साइड्स भी सेम होनी चाहिए, समझ में आ रही बात। तो सभी सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट है सिमिलर, सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, बात समझ में आ रही क्या। सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर, क्योंकि देखो साइज छोटी बड़ी होती जा रही है, अगर ये सेम होते, मान लो कि इस तरीके से एक ही एक साइज की, मान लो ये, तब आप इनको क्या बोलोगे, कॉन्ग्रेंट, क्या बोलोगे। माचिस की डब्बी देखी क्या, पूरा देखा, पूरा पैकेट कितने आते हैं, एक पैकेट में 10 आते हैं, तो सभी माचिस एक दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रेंट या सिमिलर, कॉन्ग्रेंट है, वेरी गुड। तो ये बात समझ में आ गई ना अच्छे से, या नहीं आई अभी तक, आ गई। तो इन चीजों का ध्यान रखो, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर का क्या होता है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, पहले फिल इन द ब्लैंक में ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्या होते हैं, फिर ऑल स्क्वायर आर क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट या सिमिलर, सिमिलर। अभी तो पता है छोटे बड़े होते जा रहे हैं ना, एक साइज की थोड़ी है। फिर ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल होते हैं जो सिमिलर होंगे, इक्विलेटरल, कौन से होंगे, क्यों, इक्विलेटरल की खास बात ये होती है, मान लो ये मैंने इक्विलेटर बनाया, ये फिर मैंने दूसरा इक्विलेटर बनाया, क्योंकि इसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है, इक्विलेटरल ईच एंगल कितना होता है, समझ में आ रही बात। भले आप इक्विलेटर का मतलब क्या होता है, जिसकी जैसे मान लो ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये भी 7, तो तीनों साइड्स क्या है इस ट्रायंगल की, तो इट मींस इसको इक्विलेटर ट्रायंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे मान लो इसकी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल। मान लो ये ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 5 और ये 4 है, तो दो साइड इक्वल है ना, तो इसको बोलते हैं आइसोसेल्स, क्या बोलते हैं। तो इसके अंदर खास बात क्या है, आप कितने भी इक्विलेटर ट्रायंगल बना लो, सभी का एंगल हमेशा कितना आएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, है ना। तो इक्विलेटर ट्रायंगल ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, बात समझ आ रही है। चलो अगला पॉइंट कह रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर साइड्स आर देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, क्या होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, पहले फिल इन द ब्लैंक में क्या जाएगा। फिर कह रहा है सेकंड में,
देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वली या प्रोपोर्शनल, क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है साइड से प्रोपोर्शनल होती है। फिर कह रहा है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ पेयर, सेकंड क्वेश्चन में सिमिलर फिगर के कोई दो एग्जांपल दो, ऊपर कितने एग्जांपल दे दिए, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल इक्विलेटर वाले, तो तीन एग्जांपल है ना, आपको दो ही देने हैं। फिर कह रहा है कि नॉन सिमिलर के एग्जांपल दो, तो नॉन सिमिलर कर दो कि वन सर्कल और वन स्क्वायर, दोनों नॉन सिमिलर होंगे ना ऐसे। फिर कह रहा है कि स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट, ये जो आपको नीचे फिगर दिया है ना, ये सिमिलर है या नहीं है। पहले देखो आपको पी क्यू आर एस डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर ईच साइड कितनी है 1.5 है, लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री है क्या, और सामने वाले में ईच एंगल क्या है एबीसीडी में, तो इट मीन्स ऑल एंगल्स क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो इट मीन्स ये सिमिलर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने 6.1 के बारे में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बारे में सीखा है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे 6.2 की तरफ बढ़े, चलो मैं एक बार इसको कर देता हूं इरेज, फिर आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, कर दूं इरेज। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये कुछ इस तरीके से है, ऐसा कोई ट्रायंगल दिया है ठीक है, और यहां पर इसका नाम दिया है ए बी सी, ये दिया डी और ये दिया ई, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ठीक है, और यहां पे मान लो क्वेश्चन मार्क, अपने को इसके अंदर इसी निकालना है, और साथ में गिवन किया है कि डी ई पैरेलल है आपके बी सी के, है ना, तो आप बाय बीपीटी थ्योरम से क्या लिख सकते हो, मैंने पहले बताया हुआ आपको, ये लिख सकते हो क्या, बोलो एडी अपॉन में क्या आएगा जय कुमार, डीबी उधर क्या आएगा, ए अपॉन में किसी इसी ई सी, बोल इसी मत बोल, एडी की वैल्यू क्या है 1.5, डीबी की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 1, ईसी की वैल्यू पता नहीं, इसका पॉइंट हटा दूं तो नीचे 30 कर सकता हूं क्या, यहाँ पे 10, चलो अब एक्चुअल में ये क्या बना 15 अपॉन में 30 और ये बन गया 1 अपॉन में इसी, इससे कैंसिल हुआ क्या आया 1/2 आ गया, और इजिकल टू में कौन है 1/ रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइडों को, तो 2 इजिकल टू इसी, यानी इसी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, क्लियर है, बोलो। ऐसे ही सेकंड वाला जो इसका पार्ट है, एडी की वैल्यू निकालनी है, आप लोग निकाल के दिखाना, ये मैंने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 6.2 का सेकंड, इसके अंदर आपको कह रहा है कि PQR कोई ट्रायंगल है, ऐसे कोई PQR ट्रायंगल बना लेंगे ठीक है रौनक। फिर इसने कहा है कि E और F पॉइंट लेना, ये मान लो आपका E पॉइंट है और ये मान लो आपका F पॉइंट है, दोनों पैरेलल इसके ठीक है। फिर इसने कहा कि आप चेक करके बताओ कि या इस बात, ये हमें एक तरीके से चेक करके बताना है, चेक आउट कि EF है वो QR के पैरेलल है क्या, कब होता है पैरेलल, अगर वो रेशो इक्वल आ जाए तो, जैसे इसने कहा कि PE क्या कहा अपॉन में EQ और इक्वल टू में अपन लेते हैं PF अपॉन में FR, अब PE की वैल्यू कितनी है 3.9, EQ की वैल्यू कितनी है 3, PF की वैल्यू कितनी है 3.6, FR की वैल्यू, अब इनको सॉल्व करके देख लो, इसका पॉइंट डाल दो नीचे 30 कर दो, ये दोनों पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 39 और ये कैंसिल करें 3 की टेबल से, तो ये तो आया 13 या 10, इधर वाला कैंसिल करें 12 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आएगा बोलो, ये 12 की टेबल से किया तो ये 3 आया और नीचे आया 2, क्या दोनों सेम आए क्या, अनइक्वल है यानी, है ना, तो अपन लिख देंगे सो ई एफ आर नॉट पैरेलल टू क्यू आर, समझ में आई क्या बात, करवाए हुए क्वेश्चन इस टाइप में, मैंने पहले प्रैक्टिस सेट करवाया था ना, तो अब आप क्या करो मेरे को ये फर्स्ट और सेकंड के जितने पार्ट है सभी सॉल्व करके दिखा दो, फिर थर्ड वाला मैं करवा दूंगा ठीक है।